नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। ओपी राजभर का नाम आपने सुना होगा। ओपी राजभर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। ओपी राजभर राजनीति के चक्कर में, कुर्सी के खेल में, सत्ता को हथियाने के लिए सत्ता के खेल में तमाम बयान दे देते हैं, और ऐसे बयान दे देते हैं कि उनको खुद ही पता नहीं चलता है कि वो क्या बोल रहे हैं। ओपी राजभर जो पिछले समय अखिलेश यादव के गुणगान कर रहे थे, फिर उसके बाद बीजेपी के गुणगान करने लगे, और अब मायावती और अखिलेश को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि अखिलेश यादव और मायावती दलितों और पिछड़े वर्ग के असली दुश्मन हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर दलित और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका शोषण किया जाता है, और शोषण करने वाले सिर्फ दो ही नेता हैं, एक मायावती, दूसरे अखिलेश यादव। निकाय चुनाव के पहले ओपी राजभर बड़े एक्टिव और सक्रिय नजर आ रहे हैं। पहले तो ये लग रहा था कि निकाय चुनाव के पहले ओपी राजभर जिस तरीके से मेनपुरी जीत जाने के बाद डिम्पल यादव की तारीफ कर रहे थे, तो लग रहा था कि गठबंधन कर लेंगे, और ऐसा लग रहा था कि तमाम विपक्ष के नेता महागठबंधन कर लेंगे। लेकिन कल ही उन्होंने एक लेटेस्ट बयान दिया, और इस बयान में कहीं ना कहीं ओपी राजभर खुद से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर ने साफ तौर पर कहा है कि मायावती और अखिलेश दलितों और पिछड़े वर्ग के असली दुश्मन है। तो आप समझ सकते हैं कि जब दुश्मन बोल दिया है, दुश्मन जैसे शब्द उपयोग करने के बाद आपको लगता है कि निकाय चुनाव में ओपी राजभर आगे रहेंगे, आपको लगता है कि अब गठबंधन होगा। ओपी राजभर बीजेपी की तारीफ कर रहे थे। ओपी राजभर कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने यूपी को कचड़ा वाली नगरी बना दिया, यूपी का हाल खराब कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में यूपी खुश है, खुशहाल है। आप समझ सकते हैं, सुरक्षित जैसे शब्द कह दिए थे कि यूपी बहुत सुरक्षित है। एक बार तो ओपी राजभर ने इतनी बड़ी बात कह देती कि आपकी सुनकर हैरान रह जाएंगे। ओपी राजभर ने साफ तौर पर कहा था कि अखिलेश यादव ने ओपी राजभर को मारने की कोशिश की है। जब इस तरीके के बयान ओपी राजभर करते हैं तो कहीं ना कहीं विशुद्ध राजनीति की जो है एक पहल शुरू हो जाती है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है, सत्ता की कुर्सी और लालच कहीं ना कहीं आगे आ जाती है, और लगता है कि आप एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके से बोल रहे हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी रहे हैं, मायावती भी रही हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों का दुश्मन जो है अखिलेश यादव को बता दिया है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो दलितों और पिछड़े वर्ग के दुश्मन होंगे? क्या आपको लगता है कि मायावती जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं वो दलितों और शोषण जो पिछड़े वर्ग हैं उनका शोषण करती होंगी? आप ही बताइए। लेकिन ओपी राजभर जो बयान दे रहे हैं उस बयान से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।